नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है, एक नई अपडेट है। चाहे आप फार्मेसी के किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा, बी फार्मा या फार्मेसी के हैं, अन्य कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यूपीपीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। क्योंकि बहुत सारा शिकायत आता था जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने में अन्य कोई कार्य था, तो वहां पर बहुत सारी शिकायतें जाने के बाद ये नए अध्यक्ष चुने गए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पर हम आपको फार्मेसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फार्मेसी काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष बडोला हटाए गए हैं। यहाँ पर जो फार्मेसी काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे ठीक है, बडोला इसको हटाए गए हैं, ठीक है। और नए अध्यक्ष कौन बना यहाँ पर देख सकते हैं, महानिदेशक ने लिया चार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं जो महानिदेशक थे फार्मेसी काउंसिलिंग के, वो चार्ज लिए हैं। मनमानी की शिकायतें मिलने के बाद हुई थी कार्रवाई। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग के अध्यक्ष संदीप जो बडोला को हटा दिया गया है। काउंसलिंग अध्यक्ष चार्ज स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी ने ले लिया है। काउंसलिंग में मनमानी की कई शिकायतें मिलने के बाद बडोला पर कार्रवाई की गई है। फार्मेसी कॉलेज में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए काउंसलिंग की नियमावली बनाई जाती है। काउंसलिंग के संचालक के लिए जो है 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 सदस्यों का शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि ये शासन के द्वारा होते हैं। 6 सदस्य जो है फार्मासिस्ट के जरिए चुनाव किए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महानिदेशक, ड्रग कंट्रोलर व ड्रग एनालिस्ट पदेन सदस्य जो है सदस्य और एमसीआई की ओर से चुना गया है, एक सदस्य होता है। बीते मार्च में जो है फार्मेसी काउंसिल के सदस्य के रूप में संदीप बडोला को अखिल सिंह, प्रमोद तिवारी, अनीश शंकर पटेल और रविंद्र राणा को चुने गए थे। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग का गठन नहीं किया गया। सप्ताह भर में संदीप बडोला अध्यक्ष बने गए थे। इसी बीच कई तरह की मनमानी की शिकायतें होने लगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी ने बताया कि काउंसलिंग सदस्य के चयन बिना ही आनंद फानंद में कमेटी गठन कर लिया गया था, इसके लिए चयन को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने अध्यक्ष का चार्ज खुद ले लिया है। सचिव की जिम्मेदारी निदेशक पैरा मेडिकल के पास होती है और विधिक रूप से कार्यवाही का गठन होने के बाद अध्यक्ष और सचिव भी उन्हें सदस्यों में चुना जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, जो जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनका जो कोर्स होता है, कोर्स होने कंप्लीट होने के बाद वो पहले ऑफलाइन प्रक्रिया से अप्लाई करते थे, लेकिन अब पिछले साल से ऑनलाइन प्रक्रिया से अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वहाँ पर वेरिफिकेशन या किसी कारण फंस जाता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानी होती, बार बार आना जाना पड़ता है। और जबकि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, अब तो कई बार ऐसा होता है सेम डे भी रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का हो जाता है, लेकिन किसी किसी का बच जाता है। तो इसी कारणवश बहुत कुछ छात्रों ने या कुछ लोगों ने जो है इसका शिकायत की, जिसके लिए इनको हटाया गया। अब देखिए आप लोगों को कैसे अपडेट आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके उस बताइएगा। क्या आप लोग अपना फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके उससे बताइएगा। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपने इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।